तो गाइस पोकेमोन की एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेनर्स होंगे जो अपने अपनी जर्नीज में हैं। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, पोकेमोन की जो रियल मांगा है और गेम है, इसमें स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से और पूरा बताया है जो हमें एनिमे में नहीं बताया जाता है। जैसे किसने रेक्वाजा को बुलाया था जब ग्राउडन और काइगर लड़ रहे थे, म्यूटू इंसान की जैसा क्यों दिखता है, ये सब कुछ हमें टीवी में नहीं बताया जाता है, पर आज आप सभी को ये पता चल जाएगा। और ये सब पूरी मांगा की स्टोरी है और गेम की, तो ये रियल है एकदम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ट्रेनर्स के बारे में आप सभी को बता देना चाहता हूँ जिससे आप सभी को पता रहे वो कौन है। सबसे पहले इसमें मांगा वाला रेड होगा जो पोकेमोन लीग का चैंपियन है और इसने एलाइट फोर को भी डिफीट किया है। सेकेंड में है ब्रैंडन, ये कमाल का ट्रेनर है जो अपने अलग सफर में है। इसके पास सेल्वी जैसे लेजेंडरी पोकेमोन है। ब्रैंडन का मांगा में नाम रूबी है जो एनिमे में सब कुछ मूवीज में दिखा है, जैसे जिराची द विश्वमेकर, पोकेमोन रेंजर एंड द टेंपल ऑफ द सीस, गैरेटिना एंड द स्काई वॉरियर, इन सब मूवीज में ये दिखा है। तीसरे में एक लड़की है जिसका नाम मे है और मांगा में इसे सेफियर कहते हैं, जो ब्रैंडन के साथ थी। चौथे में स्टीवन है जो होइन रीजन का ट्रेनर है और इसका मेटाग्रॉस पूरे होइन रीजन में सबसे पावरफुल पोकेमोन है। आप सभी ने इसको एनिमे में देखा ही होगा, ये भी अपनी जर्नी में है। तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले जो न्यू है सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और ऐसी डिटेल्स आती रहती है मेरे चैनल में, और लाइक भी जरूर करना। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। रेड को बचाने ब्लेन आया और उसने बताया म्यूटू उसी की वजह से बना है और वही उसका कारण है। 2 साल पहले टीम रॉकेट के जियोनी ने जबरदस्ती ब्लेन के डीएनए से म्यूटू को पूरा किया था और इसलिए म्यूटू एक इंसान की तरह दिखता है। ब्लेन के पास म्यूटू को ढूंढने की काबिलियत थी चाहे वो कहीं भी छुपा हो। रेड ने उसे मना किया कि वो खुद लड़ सकता है, पर ब्लेन ने जबरदस्ती म्यूटू से फाइट की। ब्लेन के पास मास्टर बॉल थी जिससे दुनिया का किसी भी पोकेमोन को पकड़ा जा सकता है। रेड ने वो मास्टर बॉल ब्लेन से ले ली और म्यूटू को पकड़ा। रेड पहला ट्रेनर था जिसके पास म्यूटू था। थोड़े समय बाद टीम रॉकेट के बॉस जियोनी को रेड ने हरा दिया और उसके बाद वो माउंट सिल्वर के ऊपर चढ़ गया। उसी समय में रूबी, जिसका नाम ब्रैंडन भी है, वो एकदम कमाल का ट्रेनर था और वो भी अपने सफर में था। इसके साथ टीम एक्को और मैग्मा के लीडर्स ने ग्राउडन और काइगर को उठा दिया, जिसकी वजह से वो दोनों लड़ने लगे। उन्हें रोकने सारे बेहतरीन ट्रेनर्स और जिम लीडर्स आए। वो सब आपस में बट गए। जो वॉटसन और फ्लैनरी थे उन्होंने काइगर से फाइट की और ब्राउली और रॉक्सेन ने ग्राउडन से। उस रीजन में इतना कुछ होने की वजह से नॉर्मन ने वॉली को ट्रेनिंग देने का फैसला किया और उसे 1000 साल पुरानी जगह स्काई पिलर्स ले गया। उसके बाद टीम मैग्मा और एक्को को रेड और ब्लू ऑर्ब मिले। इन ऑर्ब में बहुत ज़्यादा ताकत थी इसलिए वो दोनों टीम इसके पीछे हमेशा से थी और उन्हें फाइनली ये पावर मिल चुकी थी। इनकी ताकत का पीछा करते हुए ग्राउडन और काइगर भी शहर में आ गए थे और ये पता चलते ही सबको बचाने रूबी, शेफियर, स्टीवन और सारे एलाइट फोर वहाँ आए थे। इसी बीच टीम मैग्मा और एक्को के प्लान्स को रोकने रूबी एंड शेफियर आए थे। तभी आसमान से एक मीटियोर का पत्थर गिरा था जिसमें नेचर की ताकत थी, जिसका यूज़ करके वो दोनों टीम के लीडर वापस नॉर्मल हो सकते थे। जब शेफियर ने उस पत्थर का यूज़ किया तो उसकी पावर से सब तबाह हो गया, जिसमें रूबी मतलब ब्रैंडन वहाँ से गायब हो गया और शेफियर को स्टीवन ने अपने मेटाग्रॉस की मदद से बचा लिया। उस तबाही के बाद शेफियर ने स्टीवन को एक लेटर दिया जो शेफियर के डैड ने उसे मरने से पहले दिया था। उस लेटर में सारे लेजेंडरी रेजेस को उठाने का तरीका लिखा था। स्टीवन और शेफियर ने 2 पोकेमोन पकड़े, वेलोड और रैलिकेंट। इन्हें पकड़ते ही वो तरीका पूरा हो गया और रूबी एंड शेफियर एक अलग जगह आ गए। उस जगह का नाम मिराज आइलैंड था। वहाँ क्वान, टेट और लीजा भी थे। इन 3 जिम लीडर्स ने उन 2 यंग हीरो के साथ ट्रेनिंग की। इसी बीच नॉर्मन ने बताया गया कि उसने वॉली को ट्रेनिंग दी थी क्योंकि वॉली के अंदर एक लेजेंडरी पोकेमोन को बुलाने की ताकत थी। वो लेजेंडरी पोकेमोन था रेक्वाजा। रेक्वाजा को बुलाने के बाद नॉर्मन उसके साथ चला गया और वॉली को अपना फ्लाइगॉन दे दिया। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद ब्रैंडन ने शेफियर को दूर भेज दिया जिससे वो सेफ रह सके। इसी बीच टीम मैग्मा की मेम्बर कटनी ने टीम मैग्मा से अलग होने का फैसला लिया क्योंकि उनकी वजह से काइगर और ग्राउडन ने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई थी। उनकी सोच से कहीं ज़रा खतरनाक थे वो, इसलिए उसने रूबी, स्टीवन, नॉर्मन, रेजेस और रेक्वाजा का साथ दिया ग्राउडन और काइगर को रोकने के लिए। लड़ाई घंटों तक चली, इसलिए उस लड़ाई में नॉर्मन, कटनी और स्टीवन मारे गए। आखिर में वो दोनों बीस्ट शांत हो गए और वापस चले गए। उसके बाद रूबी ने सबको चौंका दिया। उसने अपने सेल्वी को आज़ाद कर दिया जो उसने जोठों में पकड़ा था और उसे कहा कि वो तीनों मरे हुए ट्रेनर्स को जिंदा कर दे क्योंकि सेल्वी एक गार्डियन पोकेमोन है और उसके पास टाइम ट्रेवल की पावर्स हैं जो ब्लू और रेड और उससे वो जेम्स में बदल गए और अपने आप आसमान में चले गए। और ये लड़ाई यहाँ पे खत्म हुई। तो वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करो जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिल सके और भी कमाल की वीडियोस मेरे चैनल में आप सभी को मिल जाएंगी। और आज का सवाल,
आपका कौन सा फेवरेट ट्रेनर है बताओ मुझे कमेंट्स में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।